हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी सुरभि कक्षा 5 का पाठ 3, जिसका नाम है सच्चा दोस्त। ये कहानी दोस्ती के बारे में बताई गई है और इस दोस्ती को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे, उनका बच्चों के साथ कितना प्रेम और स्नेह था उस पर भी आधारित है। किस तरह से हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना व्यस्त समय में से बच्चों के लिए समय निकालते थे, उन्हें कहानियाँ सुनाते थे और उन्हें अपने व्यस्त जीवन के बारे में बताते थे। तो आज की कहानी है सच्चा दोस्त, कक्षा 5 की है और हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। भारत के सभी बच्चे पंडित नेहरू को अपना दोस्त मानते थे। प्यार से बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। उनका जन्म दिवस आज भी बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चे उन्हें ऐसा व्यक्ति मानते थे जिसके साथ वे हंसी मजाक कर सकते थे, आँख मिचौली खेल सकते थे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उनका जन्मदिन हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जवाहरलाल जी नेहरू जो थे, वो बच्चों के साथ बहुत प्यार करते थे। वो बच्चों के साथ खेलते थे, उनके साथ हंसी मजाक करते थे और उनको चुटकुले सुनाते थे। चुटकुलों को आनंद से सुन सकते थे। बच्चे उनके साथ आत्मीयता का अनुभव करते थे। नेहरू जी उन लोगों में से नहीं थे जिनके अंदर बचपन समाप्त हो चुका था। मतलब इसका क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों के चुटकुले भी सुनते थे। आत्मीयता का मतलब होता है अपनापन। बच्चे उनके साथ अपनापन अनुभव करते थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू का बचपन उनकी उम्र के बाद भी समाप्त नहीं हुआ था। एक बार वे इलाहाबाद गए, उनके कार्यक्रम में आनंद भवन में बच्चों से मिलना भी शामिल था। तो एक बार क्या हुआ कि वो किसी कार्यक्रम के लिए इलाहाबाद गए थे, वहाँ पर उन्हें बच्चों से भी मिलना था। जब नेहरू जी की कार आनंद भवन पहुँची तो बच्चे उनकी ओर दौड़े। वे अपने हाथ उठाकर उनकी ओर दौड़ रहे थे और चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज़ में खुशी की झलक थी। चाचा नेहरू, चाचा नेहरू। बच्चे कैसे चिल्ला रहे थे? बच्चे चिल्ला रहे थे चाचा नेहरू, चाचा नेहरू। और जो वो चिल्ला रहे थे उनमें खुशी की एक झलक दिख रही थी। सब बच्चों ने उन्हें घेर लिया। वे कह रहे थे, हम लोगों को आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। बच्चे बहुत प्यार करते थे चाचा नेहरू से, तो उन्होंने आपस सब बच्चों ने क्या किया, उनको घेर लिया। और जैसे ही वो पहुँचे तो सब बच्चे उनके पास पहुँच गए और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। नेहरू जी कार से बाहर आए, उन्होंने बच्चों को गले से लगाया, चूमा और प्यार किया। तुम सब कैसे हो? आशा है तुम सब मन लगाकर पढ़ रहे होगे, जवाहरलाल नेहरू ने उनसे पूछा। तो उन्होंने क्या है, उतरते ही क्या किया, बच्चों से ये पूछा कि बच्चों आप लोग कैसे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, तुम लोग खेल कूद में हिस्सा लेते हो, घूमना भी चाहिए, जितना घूम सको, प्रकृति को देखना चाहिए। अब वो बच्चों को बता रहे हैं कि देखो बच्चों, तुम लोगों को घूमना चाहिए, खेल कूद में भाग लेना चाहिए, प्रकृति यानी हमारे आसपास का जो सुंदर वातावरण है उसको देखना चाहिए, आसपास के पेड़ पौधे देखने चाहिए, ये कितने रंग बिरंगे होते हैं, तुमने तितलियाँ देखी हैं, लगता है इंद्रधनुष उड़ रहा है। मतलब इन्होंने क्या बताया यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने बताया कि तितलियाँ कैसी दिखाई देती हैं, इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगी दिखाई देती हैं। नेहरू जी को बच्चों के साथ
प्रकृति के बारे में चर्चा करने में बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि वे स्वयं भी प्रकृति से बड़ा प्रेम करते थे। तो बच्चों, जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रकृति से, मतलब हमारे जो आसपास का वातावरण है उससे वो बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वो बच्चों को प्रकृति के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते रहते थे। अब मुझे चलना चाहिए, गुड लक, नेहरू जी ने वापस चलने वाले थे तभी उन्हें कुछ ध्यान आया। वे रुके और बच्चों की ओर देखकर बोले, ओह, मैं यह पूछना तो भूल ही गया कि तुम लोगों को कोई कठिनाई तो नहीं है, तुम सब लोग प्रसन्न हो, मुझे आशा है कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। अब जाते जाते उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चों से पूछा कि बच्चों तुम लोग सब खुश हो ना, तुम लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इस पर आगे क्या होता है, बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे, वे सोचने लगे क्या कहें। तभी बच्चों में से एक छोटा बच्चा आगे आया और बोला, चाचा जी। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा, हाँ बेटे, हमें एक छोटी सी तकलीफ है, वर्षा के मौसम में जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारी किताबें भीग जाती हैं, हम भी भीग जाते हैं, मगर हमें अपने भीगने की परवाह नहीं है, हमें बरसात में भीगना अच्छा लगता है, पानी के छोटे छोटे गड्ढों में कूदकर चलना भी अच्छा लगता है, लेकिन हमारी पुस्तकें भीगना पसंद नहीं है, उनकी शक्ल बिगड़ जाती है, उन पर जगह जगह निशान पड़ जाते हैं, सुखा देने पर भी वे पुरानी और गंदी लगती हैं। तो उसने क्या कहा कि चाचा जी, बाकी तो कोई परेशानी नहीं है मुझे, परंतु जब बरसात का मौसम होता है तो हम लोग स्कूल जाते हैं तो हमारी किताबें क्या होती हैं, गीली हो जाती हैं, हम लोगों को बरसात अच्छी लगती है, लेकिन पुस्तकों की दशा जो है, शक्ल यानी चेहरा ख़राब हो जाता है, अगर अपन उनको सुखा भी देते हैं हम लोग तो भी वे पुरानी दिखने लगती हैं, गंदी दिखने लगती हैं। तो नेहरू जी ने क्या कहा, नेहरू जी उस लड़के को ध्यान से देखते रहे, बच्चों की आवश्यकता उनकी समझ में आ गई, इस बारे में हम कुछ करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि ठीक है, अच्छा, हम इसके बारे में कुछ करेंगे। मैं जान गया कि तुम लोग अपनी किताबें साफ रखना चाहते हो, यह अच्छी बात है। नेहरू जी ने उस बालक की पीठ थपथपाई, हल्के से बच्चों को शाबाशी दी, एक बच्ची की फ्रॉक की सलवटें ठीक की, बच्चों को बहुत अच्छा लगा, उनको खुशी हुई। तो अब जाते जाते उन्होंने क्या किया, सब बच्चों की पीठ थपथपाई, एक लड़की की फ्रॉक में थोड़ा सिकुड़न थी तो वो भी ठीक करी, और बहुत खुश होकर के वो आगे बढ़ने लगे। तो क्या हुआ, चाचा नेहरू जिंदाबाद, बच्चों ने इन्हें इस नारे से विदा किया। जब वो जाने लगे तो चाचा नेहरू ने क्या किया, बच्चों ने क्या किया, उनको चाचा नेहरू जिंदाबाद की नारे लगा लगा करके उनको, याद रखिएगा, हम अपनी पुस्तकें भीगने से बचाना चाहते हैं, लड़के ने जोर से कहा। नेहरू जी फिर मुड़े और लौटे और एक मिनट के लिए रुककर उस बच्चे की ओर मुड़कर कहा, अच्छा, बच्चे अपने विद्यालय में चले गए। उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा ना थी। क्या हुआ, जैसे ही वो जाने लगे तो नेहरू जी ने फिर से, बच्चों ने फिर से क्या कहा उस छोटे बच्चे ने, कि ध्यान रखिएगा हमने क्या कहा था। तो वो फिर से मुड़ के आए, उसको कहा अच्छा, और उसके बाद वो बच्चे जो है वो खुश हो गए और अपने विद्यालय की ओर चले गए। एक लड़की ने कहा, उन्होंने मेरे बाल ऐसे संवारे जैसे माँ संवारती है। तो अब बच्चे आपस में बात कर रहे हैं क्या, कि एक लड़की ने कहा कि अरे, उन्होंने मेरे बाल इतने अच्छे से बनाए जैसे मेरी माँ बना देती है। दूसरी ने कहा, उन्होंने मेरे भाई की तरह मेरे गाल पर चुटकी ली और हंसे। एक लड़का दौड़ कर आया, उसने कहा, मेरी पीठ पर चाचा जी ने यहाँ पर थपथपाया था। सभी चाचा नेहरू के बारे में बातें कह रहे थे और वे उन सबको कितना प्यार करते थे, हैं ऐसा सब बच्चे आपस में बात करते हुए बोल रहे थे।
बच्चे अक्सर नेहरू जी से भेंट के बारे में आपस में बातें करते थे। जिस लड़के ने नेहरू जी से अपनी किताब भीगने की बात कही थी वह बहुधा सोचता था कि पता नहीं उन्हें मेरी बात याद भी रहेगी या नहीं। चाचा नेहरू बहुत व्यस्त रहते हैं, शायद वे मेरी बात भूल जाएं। तो वो लड़का क्या सोच रहा था कि पता नहीं अब हमने बोल तो दिया है लेकिन चाचा जी को मेरी बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरी बात भूल जाएंगे। और तब एक दिन प्रधानमंत्री के दफ्तर से एक पार्सल आया। स्कूल के प्रधान अध्यापक ने उसे प्राप्त किया। उसमें 2 दर्जन बरसातियाँ थीं, साथ में प्रधान अध्यापक के लिए एक पत्र भी था। तो कुछ दिन हो गए, फिर वहाँ पर एक पार्सल आता है जिसमें क्या निकला, 2 दर्जन बरसातियाँ निकली। और उन्होंने प्रधान अध्यापक के लिए एक पत्र भी लिखा था, उसमें लिखा था ये बरसातियाँ उन बच्चों में बांट दी जाएं जो नेहरू जी से उनकी पिछली यात्रा में मिले थे। प्रधान अध्यापक ने उन बच्चों को बुलाया, बच्चों को देखकर वे मुस्कुराए और पूछा बताओ चाचा नेहरू ने आप सबके लिए क्या भेजा है। बच्चों को बुलाया और उनने पूछा कि क्या भेजा है। बच्चों ने कुछ क्षण चुप रहने के बाद एक साथ चिल्लाकर कहा बरसातियाँ। मतलब वो बच्चे समझ गए थे कि चाचा नेहरू कितने अच्छे हैं, चाचा नेहरू ने उनका ध्यान रखा और उनके लिए क्या भेजा, बरसातियाँ भेजी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सच्चे दोस्त कैसे होते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं इस पाठ के कठिन शब्दों के बारे में। आत्मीयता, अपनापन, चर्चा, बातचीत करना, संवारना, ठीक करना या सजाना, फौरन, तुरंत, शुक्ल, शक्ल, सूरत, बहुधा, अक्सर। तो ये थे हमारे कठिन शब्दों के अर्थ। अब हम मूल्यांकन पे आते हैं। बाल दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? बाल दिवस 14 नवंबर को चाचा नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नेहरू जी ने बच्चों से क्या पूछा कि बच्चों तुम सभी कैसे हो? किसको वर्षा में भीगना अच्छा लगता था, बच्चों को या पुस्तकों को? बच्चों को। बरसातियाँ किसने किसे भेजी थी? बरसातियाँ चाचा नेहरू ने बच्चों को भेजी थी। चाचा नेहरू कहाँ गए थे? इलाहाबाद। चाचा नेहरू जी से कहाँ मिले, बच्चे नेहरू जी से कहाँ मिले? आनंद भवन में। बच्चे कौन कौन से खेल खेलते हैं? तीनों उत्तर, गुल्ली डंडा, बैडमिंटन, रस्सी कूदना। पार्सल कहाँ से आया था? पार्सल प्रधानमंत्री के दफ्तर से आया था। इसके बाद है किसने किससे क्या कहा, तुम लोग क्या खेलते हो? नेहरू जी ने बच्चों से कहा हमारी पुस्तकें भीगना पसंद नहीं करती। छोटे बच्चे ने नेहरू जी से कहा मेरी पीठ पर चाचा ने यहाँ थपथपाया था। बच्चे ने अपने मित्र से कहा बताओ चाचा नेहरू ने आप सबके लिए क्या भेजा है। प्रधान अध्यापक ने बच्चों से कहा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू से बच्चों का कैसा संबंध था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का बच्चों से मित्र जैसा संबंध था। चाचा नेहरू ने बच्चों से क्या सवाल पूछे? चाचा नेहरू ने बच्चों से पूछा कि तुम सभी पढ़ाई करते हो, तुम सभी कौन कौन से खेल खेलते हो, तुम सभी घूमने जाते हो कि नहीं? चाचा नेहरू ने बच्चों को क्या सलाह दी? चाचा नेहरू ने बच्चों को सलाह दी कि हमें प्रकृति के बीच में रहना चाहिए। बच्चों को चाचा नेहरू क्यों अच्छे लगते थे?
बच्चों को चाचा नेहरू इसलिए अच्छे लगते थे क्योंकि वे उनके साथ बच्चों जैसा व्यवहार भी करते थे। हंसी और मजाक एक शब्द युग है जिससे दो शब्द सार्थक शब्द हैं। एक हंसी है एक शब्द और दूसरा मजाक है। ऐसे ही चार शब्दों को आपको लिखना है जो सार्थक शब्द हों, है ना। फिर उसके बाद नीचे लिखे शब्दों के समानार्थी शब्द भी हैं, दोस्त, मित्र, शामिल, एकत्रित, प्रेम, प्यार, दिवस, दिन, फूल, पुष्प, समस्या, परेशानी, व्यक्ति, आदमी, पेड़, प्रकृति, है ना, तकलीफ, परेशानी। तो इस तरह से आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं और उसके बाद बहुवचन शब्द बनाने हैं। ये आपके लिए गृह कार्य है, होमवर्क है, ये आप अपने घर में करेंगे। और इसके बाद में वाक्यों में से सर्वनाम छांटकर सर्वनाम शब्दों को बहुवचन में बदलकर वाक्य दोबारा लिखना है। तुम क्या खेलते हो? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम है सर्वनाम शब्द, तुम सब क्या खेलते हो, अब मुझे चलना चाहिए, अब हमें चलना चाहिए, मैं तो पूछना ही भूल गया, हम तो पूछना ही भूल गए, पता नहीं उसे मेरी बात याद रही भी या नहीं, पता नहीं उनको मेरी बात याद भी रही या नहीं, वह चाचा नेहरू के बारे में बात कर रहा था, वे चाचा नेहरू के बारे में बात कर रहे थे। तो इस तरह से हमने लिखा और इसके बाद इस अपठित गद्यांश को आप लोग घर पर पढ़ेंगे और इसके पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर को और अपठित गद्यांश को अपनी कॉपी में लिखेंगे। तब तक बच्चों अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।